इंडियन खाने की जान चटनी होती है, और आज मैं आप लोगों के साथ एक नई तरीके की चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ जो सर्दियों के मौसम के लिए बहुत ही अच्छी है। आप पूड़ी, पराठे, किसी भी चीज के साथ एंजॉय कर सकते हो। अगर आप सिंपल ब्रेड के भी साथ खाओगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। आज मैं आप लोगों के साथ सेब की चटनी शेयर करती हूँ, तो आइए मैं अपनी किचन में आपके साथ सेब की चटनी बनाती हूँ। ये मैंने लाल वाले 2 एप्पल लिए हुए हैं और 2 एप्पल की हम चटनी बनाएंगे। सेब की चटनी बनाने के लिए मैंने एक पैन गरम कर रखा है, उसमें से 1/2 टीस्पून करी मैंने इसमें तेल डाला हुआ है। और अब हम इसमें ये डालेंगे, 1 लहसुन की कली है, इसको मैंने थोड़ा लंबा लंबा काट लिया, और थोड़ा सा जीरा है। ये हम इसको चटकने देंगे यहाँ पे। तब तक मैं आपको एप्पल दिखा देती हूँ, मैंने सेब को कैसे तैयार किया हुआ है। ये मैंने कुछ बारीक काटा है और कुछ मोटे मोटे काटे हैं। ये इसलिए काटे हैं, जो मोटे वाले रहेंगे उनका चंक्स रह जाएगा, जब हम खाएंगे तो मुंह में बाइट सी आएगी, और जो बारीक वाले हैं वो घुल मिल से जाएंगे। और इसको मैंने काट करके और नमक के पानी में भिगो के रखा है, इसलिए कि ये काले नहीं पड़े, नहीं तो ये बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं। हमको लहसुन को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, जब लहसुन का काम हो जाएगा तो फिर हम लहसुन को बाद में निकाल देंगे इसमें से। और ये हो चुका है, अब मैं इसमें अपना सेब डालूंगी। इसको हम अच्छी तरीके से मिला करके और 1 मिनट के लिए ढक देंगे। ये बहुत झटपट बन जाती है और खाने में उतनी ही टेस्टी होती है, आप पराठे वगैरह के साथ सर्दियों में एंजॉय कर सकते हो इसको। मैं 1 मिनट के लिए इसको ढक दूंगी यहाँ पर। ये एप्पल हमारा हल्का हल्का पानी छोड़ने लगे हैं, अब मैं इसमें सूखे मसाले डालूंगी। सूखे मसाले में मैंने लिया था थोड़ी सी डेगी मिर्च, भुना जीरा, नमक, काला नमक और चाट मसाला, बस इतना ही हल्का सा मसाला जाता है इसमें, बहुत ज़्यादा मसाले कुछ नहीं जाएंगे। अब मैं इसमें 3 चम्मच चीनी डालूंगी, और ये आराम से चल भी जाती है, अच्छी खासी चल जाती है फ्रिज में रख करके, और इसको मिला देंगे। डेगी मिर्च इसलिए डाली है कि इससे थोड़ा सा कलर अच्छा सा आ जाता है, और अच्छी तरीके से मिला करके 2 मिनट में ही हमारी बनके तैयार हो जाएगी। इसको बनने में 2 मिनट और लगेंगे। ये हमारी चटनी फाइनल कंडीशन में आने लगी है। इसको मैं स्पून के से हल्का हल्का प्रेस कर दूंगी, कुछ थोड़े मैश से हो जाएंगे और कुछ साबुत रहेंगे। आप देखो ऐसे करने से थोड़े से मैश हो जाते हैं, इनको बनने में 2 मिनट और लगेंगे और ये बनके तैयार हो जाएगी। ये हमारे एप्पल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और हमारी ये चटनी बनके तैयार हो गई है। ये ऐसे ही बनती है, आप इसको पराठे, पूरी, किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हो। ये सैंडविच में भी बहुत अच्छी लगती है, आप इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हो। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। ये मेरी झटपट स्टाइल की सेब की चटनी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।